आज हम हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं क्यूजी कृष्ण मूर्ति जी के ऊपर लिखी गई किताब। वास्तव में किताब तो नहीं लिखी गई है, परंतु 1969 में जो यूजी कृष्ण मूर्ति जी को अनुभव हुए, जिसे वो कैलेमाइटी कहते हैं, जिसके बाद वे सहज अवस्था में स्थित हो गए, उसके पश्चात उनके यूरोप और भारत में तमाम लोगों से जो वार्तालाप हुए, उन वार्तालापों का संकलन इस किताब के माध्यम से किया गया है। इस किताब का नाम है मिस्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। हिंदी में यदि अनुवाद करें इसका तो ज्ञान का रहस्य। वास्तव में यूजी कृष्ण मूर्ति जी चाहते थे कि इसका नाम हो मिस्टेक ऑफ एनलाइटनमेंट, पर बाद में इसका नाम मिस्टेक ऑफ एनलाइटनमेंट रखा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की, जो कि एलाइस फुरलॉड ने लिखा है। वे कहते हैं, यह पुस्तक सत्य के बारे में अभी तक लिखी गई शायद सबसे सीधी और बिना किसी प्रकार की बकवास किए लिखी गई किताबों में से एक है। वह सत्य जिसे कई आध्यात्मिक साधक खोज रहे हैं, जिसे कई गुरु आत्मज्ञान या ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट कहते हैं, तथा यूजी जिसे सहज अवस्था कहते हैं। यूजी अपने वार्तालापों के इस संकलन में बताते हैं कि तथा कथित ज्ञानोदय या आत्मज्ञान या सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट एक विशुद्ध जैविक घटना है, जिसमें कि जब हम संस्कृति, संस्कारबद्धता या ढर्राबद्धता, धार्मिक विचारणा और बुद्धि से पूर्णता मुक्त होते हैं, तब शरीर अपनी असाधारण प्रज्ञा अर्थात एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस सहित इंसान को सहज अवस्था या नेचुरल स्टेट में रहने के लिए मुक्त पाता है। यूजी इस अवस्था में उनके 49वें जन्मदिवस पर स्विट्जरलैंड में घटित अनुभव, जिसे वे कैलेमाइटी या आपदा कहते हैं, के बाद से रह रहे हैं। तब से वे यूरोप और भारत में इस विषय पर एक प्रसिद्ध वक्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं। यूजी के वार्तालाप अनौपचारिक अर्थात इनफॉर्मल होते हैं, और वे वहीं घटित हो जाते हैं जहां पर वे रहते हैं या जहां पर भी वे होते हैं। यूजी का जे कृष्ण मूर्ति से कोई संबंध नहीं है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं और जिनकी शिक्षाओं के एक समय यूजी बहुत प्रशंसक हुआ करते थे, परंतु अब वे उन्हें पुरातन बेतुकापन कहते हैं। यूजी आध्यात्मिक मसलों के जानकार गुरु या जो गुरु नहीं है उनमें सबसे विवादास्पद व्यक्ति हैं। उनको अपमान करने वाला, क्रोध दिलाने वाला और बुद्धि या प्रज्ञा विरोधी संदेशवाहक या नबी या पैगंबर कहा जाता है। द मिस्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट किताब आध्यात्मिक या ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले या इस पथ पर चलने के लिए सोचने वालों के लिए
एक नई अद्वितीय और अमूल्य साथी साबित होगी। यह उस व्यक्ति की अंदर की कहानी है जो पवित्र व्यवसाय को गहराई से जानता है और जो बहुत ही बेबाक और सीधे तरीके से बताता है कि कैसे वह जीवन पर्यंत आध्यात्मिक साधना की वजह से नहीं बल्कि बिना उसके मुक्त हुआ है। एलाइस फ्रलॉट। आगे हम यूजी कृष्णमूर्ति के जो कोट हैं इस पुस्तक के प्रारंभ में, जो कोट हैं उनके, हम उनको पढ़ते हैं। पहला कोट है उनका, लोग मुझे एनलाइटेंड मैन या आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं। मैं इस शब्द से नफरत करता हूं क्योंकि उनके पास मेरे जीवन के ढंग या कार्य करने के तौर तरीकों के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए वे मुझे आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं। और उसी समय मैं उनको यह इशारा भी करता हूं कि एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान या ज्ञानोदय जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान को खोजा है और मैं हमेशा से ही आत्मज्ञानी बनना चाहता था और अंततः मैंने पाया कि आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इसलिए फला आदमी आत्मज्ञानी है और फला नहीं, यह प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बुद्ध की हां में हां नहीं मिलाना चाहता हूं, जो हमारे बीच इस प्रकार के दावे करते हैं एनलाइटनमेंट को उनके लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार के लोग शोषक होते हैं, उनकी पूरी जमात लगी हुई है, उनकी पूरी जमात जमा है इस संसार में। वे लोगों के भोले भालेपन का फायदा उठाते हैं। मनुष्य के बाहर कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य ने भय के कारण ईश्वर की संरचना की है, इसीलिए समस्या भय की है, ईश्वर की नहीं।